केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब तक बैंकों के विलय पर जोर दे रही थी, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने का दम भर रही थी, लेकिन अब सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, मोदी सरकार देश में सरकारी बैंकों की संख्या को 12 से 5 पर लाने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। आज कोरोना के दौर में देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो चुकी है, देश का हर सेक्टर मंदी की कगार पर है, जिससे बैंकिंग सेक्टर भी अछूता नहीं रहा है। सरकार बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन आज बैंकों की क्या हालत है ये जग जाहिर है, और शायद अब सरकार भी ये बात मानने लगी है। इसलिए सरकार ने भी बैंकों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, सरकार का जोर अब बैंकों के विलय पर नहीं बल्कि उनके निजीकरण पर है। केंद्र सरकार विनिवेश के अगले चरण में 6 सरकारी बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस तरह देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सिर्फ 5 बैंक ही होंगे। सरकार और बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बड़े सुधार के तहत PSU बैंकों की संख्या आधी से कम किए जाने की योजना है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं और इस संख्या को 4 से 5 तक सीमित करने की तैयारी है। बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए नए निजीकरण प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कोरोना से अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है और सरकार के पास फंड की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है। कई सरकारी समितियों और रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एवं सिंध बैंक का निजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बता दिया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, लिहाजा सिर्फ उनके निजीकरण का ही विकल्प बचता है। पिछले साल 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं। अगली तैयारी जिन बैंकों का विलय नहीं हुआ है उनके निजीकरण की है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी बताया बैंकों के निजीकरण की राह में बैड लोन बाधा बन सकते हैं। देखना होगा कि सरकार इस बाधा को कैसे पार करती है। GB Live की रिपोर्ट।